खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मनोहर लाल खट्टर कल शपथ ले सकते हैं। निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बीजेपी को लगता है कि वो 45 के ऊपर पहुंच जाएगी और कल मनोहर लाल खट्टर साहब की दोबारा शपथ हो सकती है। प्रवीण गौतम कुछ कहना चाह रहे हैं। इसमें भी बड़ा दिलचस्प है, ये मैंने कहा था कि दुष्यंत चौटाला जब कोई फैसला ले लेंगे, हो सकता है कि इस वजह से कल के लिए डिले किया गया हो, वरना आज शाम को शपथ लेने की उम्मीद थी। तो अब जो चाबी है वो किस ताले में फिट होती है बीजेपी की, ये देखने वाली बात। विकास भदौरिया जुड़ गए इस खबर के साथ। विकास, कल शपथ हो रही है खट्टर साहब की, तय हो गया? जी देखिए, ये तय होना इंटीग्रिटी बाकी है, लेकिन जो उम्मीद जताई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दफ्तर ने, वो ये जताई कि कल शाम तक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है चंडीगढ़ में। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो समर्थन है बीजेपी के पास, वो बहुमत का समर्थन बीजेपी ने जुटा लिया निर्दलीय विधायकों की मदद से। बाकी कुछ और विधायक और पार्टियां भी उनके संपर्क में हैं, उनका भी आज शाम तक स्थिति और रुख साफ हो जाएगा। उसके बाद बड़े तमाम नेताओं से बात करके, केंद्रीय नेताओं से बात करके तो शपथ ग्रहण ले सकते हैं। शपथ ग्रहण में निर्दलीय विधायक भी शपथ ले रहे हैं या खट्टर साहब अकेले शपथ लेंगे, क्या स्ट्रक्चर है? देखिए, अभी यही इंटीग्रिटी और स्थिति साफ होनी है। तमाम दूसरे केंद्रीय नेताओं से मनोहर लाल खट्टर की आज बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संभवतया उससे पहले वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। और इन्हीं बैठकों के दौरान ये तय होगा कि सरकार का स्ट्रक्चर क्या होगा, किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्या निर्दलीयों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या अभी केवल मुख्यमंत्री और एक दो बड़े चेहरे जो पार्टी के हैं उनको शपथ दिलाई जाए और बाद में कुछ समय बाद निर्दलीयों को शामिल किया जाए। लेकिन ये सब कुछ अभी तय होना बाकी है। आप नजर रखिए विकास, हम अपडेट लेते रहेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कल शपथ ग्रहण कल शाम को मनोहर लाल खट्टर का चंडीगढ़ में हो सकता है, जो खबर विकास भदौरिया हमको दे रहे हैं। शपथ कितने लोग लेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या अकेले खट्टर साहब लेंगे और क्या